नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अनिल टेक विजन में। आज के एचटीएमएल क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब लाइक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेक्स्ट का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट किस तरह से डिस्प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग .html नाम से, और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम HTML का सिंटेक्स डॉक टाइप HTML HTML हेड टाइटल, और टाइटल में हम टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हेड के नीचे बॉडी का सेक्शन आएगा, और यहाँ पर लाइक हमें क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं बी टैग, और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। चेक कर लेते हैं आउटपुट, क्या करना है आपको आउटपुट चेक करने के लिए, इसके ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करना है, कॉपी पाथ, और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, इंटर प्रेस। ये देखिए जो टेक्स्ट हमने टाइप किए थे वो बोल्ड शो कर रहा है। एक और टैग होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग टैग के हेल्प से, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। कंट्रोल एस से सेव करा दिए और चेक कर लेते हैं आउटपुट, ये देखिए दिस इज ए स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ये भी बोल्ड शो कर रहा। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, लाइक जहाँ पर नॉर्मल सा बोल्ड करना है तो बी टैग हम यूज करते हैं, और जहाँ पर इम्पोर्टेंट दिखाना हो तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में शो कर रहा है दोनों, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट एंड दिस इज ए स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, एक ही लाइन में शो कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आ जाए, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट क्या आ जाए, नीचे आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पर लगाना है बी आर टैग। बी आर टैग का काम क्या होता है, ये लाइन ब्रेक करता है, क्या होता है लाइन ब्रेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बी आर टैग। ये देखिए अब लाइक हमें कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तो इटैलिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं आई टैग, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। और यहां पर बी आर टैग यूज कर लेते हैं, ये देखें दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक हो गया। यहाँ पर टेक्स्ट की जगह टैग लिख देते हैं, टैग टैग। यहाँ पर यूज़ करना आपको बी आर टैग। एक और टैग है जिसके थ्रू आप इटैलिक कर सकते हो ई एम टैग के हेल्प से, दिस इज इम्फसाइज टेक्स्ट, इम्फसाइज टेक्स्ट, और टैग लिख देते हैं दिस इज इम्फसाइज टेक्स्ट। स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ई एम पी एच एस आई जे डी टी, दिस इज इम्फसाइज टेक्स्ट, और यहाँ पे यूज करना है बी आर टैग। चेक कर लेते हैं आउटपुट, ये देखिए इटैलिक शो कर रहा है। अब लाइक हमें किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं यू टैग, दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट। ये देखिए अंडरलाइन शो कर रहा है, दिस इज अंडरलाइन टैग। ये देखिए एक और टैग है जिसके थ्रू आप अंडरलाइन कर सकते हो,
INS टैग, दिस इज इंसर्टेड टैग, दिस इज इंसर्टेड टैग, चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह यहाँ पर भी बी आर टैग लगा देते हैं हम। अब किसी अब लाइक किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्क टैग, दिस इज मार्क टैग, चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पर भी बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं। अब लाइक किसी भी टैग को अब लाइक किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल दिखाना तो हम यूज़ करते हैं स्मॉल टैग, दिस इज स्मॉल टैग, चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्मॉल शो कर रहा है। इसी तरह एक होते बिग टैग, बड़ा दिखाने के लिए, दिस इज बिग टैग। ये देखिए बड़ा शो कर रहा है। यहाँ पर भी बी आर टैग यूज कर लेते हैं। किसी भी टेक्स्ट को डिलीटेड दिखाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर डेल टैग, दिस इज डिलीटेड टैग, चेक कर लेते हैं आउटपुट। ये देखिए ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर भी बी आर टैग यूज कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को पावर में हम दिखाने के लिए यूज़ करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, SUP, ठीक है। जैसे कि 1 की पावर 2, चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसके हेल्प से फार्मूला भी बना सकते हैं a² + b² तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं a² + b² तो फिर से यहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको सुपर स्क्रिप्ट, चेक कर लेते हैं आउटपुट। ये देखिए पावर में शो कर रहा। किसी भी टेक्स्ट को बेस में दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं सब स्क्रिप्ट, ये देखिए इसके हेल्प से भी फॉर्मूला बना सकते हो S2 plus SO4, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं HR टैग, चेक कर लेते हैं आउटपुट। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया यहाँ पर। अब लाइक हमें क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ हम टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं P टैग, और लाइक मैं चाहता हूँ कि इसमें डॉमी कंटेंट आ जाए तो इसमें टाइप कर लेते लॉरेम, जितना कंटेंट चाहिए जैसे कि 200 चाहिए 200 टाइप कर लिए और इंटर प्रेस करना है। कंट्रोल एस से सेव किया, चेक कर लेते आउटपुट, तो ऐसे कुछ शो कर रहा है 200 कंटेंट। एक होते डीप टैग, और यहाँ पर टाइप कर लेते दिस इज डीप टैग, ये देखिए इसमें कलर करके देखते हैं
तो यहाँ पे यूज करना आपको टेक के अंदर स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड रेड, चेक कर लेते आउटपुट। ये देखिए कंटेंट यहाँ तक है पर ये शो, पर यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर यहाँ तक आ रहा है। कंटेंट यहाँ तक है पर बैकग्राउंड का कलर 100% है यहाँ पर देखो, ठीक है डीप टैग में। तो ये क्या होते हैं, एक डीप होते हैं ब्लॉक लेवल टैग, क्या होते हैं डीप होते हैं एक ब्लॉक लेवल टैग। जैसे कि एक और कुछ टाइप करना हमें तो ये क्या करते हैं लाइन ब्रेक भी करते हैं डीप। दिस इज सेकेंड डीप और इसमें भी कलर फिल कर लेते हैं स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड येलो, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिक सेकेंड लाइन में आ गया, ठीक है। तो डीप टेक का काम क्या होता है, ये एक ब्लॉक लेवल टेक होते हैं जो क्या करते हैं लाइन ब्रेक करते हैं। एक टेक होते स्पेन, स्पेन दिस इज स्पेन टैग, ये एक इनलाइन टैग है। यहाँ पर भी कलर फिल कर लेते हैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर भी टाइप कर सकते हो आप, बैकग्राउंड कलर पिंक, चेक कर लेते हैं। ये देखिए जहाँ तक टेक्स्ट है वहीं तक बैकग्राउंड में कलर फिल हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनलाइन टैग है। एक और स्पेन हम बना लेते हैं स्पेन, दिस इज सेकेंड स्पेन, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ग्रीन, चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक ही लाइन में शो कर रहा है क्योंकि इनलाइन टैग है ये स्पेन टैग। पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल टैग है, जैसे कि यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते पैराग्राफ में हेलो वर्ल्ड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ये देखिए ये भी क्या है पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल टैग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।